कुंदुक का प्रहार करा, वो कुंदुक शिव के चरणारविंद में लगा। शंकर का नाम कुंदकेश्वर हो गया। कुंदकेश्वर भगवान की कथा कहती है, जो बच्चा बार बार गिरता हो, बीमार पड़ता हो, या कोई व्यक्ति का बार बार एक्सीडेंट होता हो, बार बार तकलीफें आ रही हों, कहीं कोई गाड़ी से ठुका गई, कोई गाड़ी गिर गई, कोई गाड़ी से गिर गया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, जिस व्यक्ति का बारंबार एक्सीडेंट होता हो, यहां तक शास्त्र कहता है अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो वेंटिलेटर पर भी पड़ा हुआ है, तो कुंदकेश्वर भगवान शंकर के लिए 7 सफेद फूल एक पानी के लोटे में भरकर उसमें थोड़ा सा दूध डालकर सफेद फूल को रख कर कुंदकेश्वर का नाम लेकर जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है या जो व्यक्ति बार बार एक्सीडेंट होता है उसका स्पर्श कराकर शंकर के मंदिर में शिव जी को सोमवार की अष्टमी पड़ने के दिन समर्पित कर देता है, उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होता, उसके शरीर पर कभी रक्त भाव नहीं आता। कुंदकेश्वर भगवान कौन से भगवान है? कुंदकेश्वर महाराज। मान लो अगर किसी को हार्ट अटैक आ गया, अचानक कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास, अगर किसी वृक्ष की पत्ती तोड़कर भी कुंदकेश्वर का नाम लेकर उसका स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ा दे तो भी व्यक्ति बच जाता। कुंदकेश्वर के नाम का इतना स्मरण, भगवान कुंदकेश्वर रक्त से बाहर। और देखिए बहुत सुंदर बात, अगर डॉक्टर ने बोला है कि इनकी इतनी पॉइंट चोक है, नाड़ी बंद है या इतने ब्लॉकेज हैं, और डॉक्टर बोल रहा है कि बाईपास करना पड़ेगा, तो एक प्रयोग अवश्य कर देखना। डॉक्टर के कहने पर चलना मना नहीं है, पर उससे पहले डॉक्टर से कहना हमको 3 दिन दे दो, और 3 दिन के लिए एक उपाय कर देखो, मात्र एक उपाय, एक बेलपत्री का अग्रभाग, बेलपत्री का अग्रभाग, ये नीचे का जो भाग है, ये भाग और आगे का भाग, दोनों पत्तियों का भाग, शंकर भगवान के जहां पानी गिरता है शिवलिंग में से अपन जल चढ़ाते हैं, और नीचे का जहां पानी गिरता है आता है बहकर, वहां इस अग्रभाग को कटोरी में रख दीजिए, और कुंदकेश्वर भगवान का जल, कुंदकेश्वर भगवान के ऊपर नाम लेकर जल चढ़ा दो। कोई भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाइए कुंदकेश्वर का नाम लेकर, जो कटोरी में भाग रखा उसको रखे दो। कुंदकेश्वर का नाम लेकर 21 बार जल समर्पित कर वो जो नीचे पत्ती और जो अग्रभाग रखा हुआ उसको लेकर आ जाइए। आप 7 पत्ती का 11 पत्ती का उसको लाकर जिस व्यक्ति की नाड़ियां चोक हैं, ब्लॉकेज आए हुए हैं, उस व्यक्ति को आप 3 या 4 बार खिला दीजिए महाराज। उसके बाद फिर जांच करवा लीजिए, जांच करवाने पर आपको प्राप्त होगा कि कई ब्लॉकेज आपके खुल गए होंगे, बाईपास की जरूरत नहीं पड़ेगी महाराज। आप डॉक्टर से 3 दिन मांगिए और उसको कर देखिए। शिव महापुराण भगवान शंकर की कृपा। कौन से भगवान का नाम लेना है जम के बोलिए जरा। कुंदकेश्वर जो